गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम पेज नंबर 71 क्या है टाइम एंड कैलेंडर का ही ड्रॉ द आर एंड द मिनट हैंड टू शो द गिवन टाइम कि जो आपको टाइम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप आर हैंड और मिनट हैंड को ड्रॉ करो। क्या टाइम दिया हुआ है आपको 3:20। आपको टाइम बता दिया कैसे करना है। देखिए इधर 3:20 थ्री से थोड़ा सा आगे ले लो बेटा आर हैंड जो छोटे वाली हैंड है वो आर हैंड और 20 कितना हो गया 4 पर आ जाएगा। ठीक है 5, 10, 15, 20 3:20 हो गया बेटा। अब है 5:30 फाइव और 6 के बीच में आएगी बेटा आर हैंड क्योंकि हाफ आर जा चुका है ये देखो इस तरह से यहाँ पे और 30 के लिए कहाँ पर आएगी 6 पर ये देखो इधर। ठीक है 5:30 7:05 तो आर हैंड कहाँ पर आएगी 7 पर बेटा और मिनट हैंड कहाँ पर जाएगी 1 पर दिखाई देनी चाहिए लंबी कि इससे लंबी है 7:05। ठीक है बेटा तो अब हम करेंगे टाइम को एएम और पीएम कि किस टाइम के साथ एएम लगाते हैं और किस टाइम के साथ पीएम लगाते हैं बेटा। वैसे मैम ने आपको थर्ड क्लास में करवाया भी होगा लेकिन थोड़ा सा डाउट आपके माइंड में फिर भी रहता है। मैम ने थर्ड क्लास के लेवल से करवाया क्योंकि उस टाइम आप थोड़े छोटे बच्चे थे आप थोड़े बड़े हो चुके हो। तो एएम और पीएम पहले बेटा समझो देखो। ठीक है देखो रात के 12 बज जाते हैं जब रात के 12 बजे हुए हैं तो पहले आप बताओ कि उस 12 बजे को क्या कहोगे आप एएम या पीएम। कोई कहेगा मैम एएम कोई कहेगा मैम पीएम कहते हो ना आप लोग इस तरह से। अगर क्लास में होते तो बेटा हम बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से इसको करते आवाज़ आती कहीं से आवाज़ आती मैम एएम मैम पीएम इस तरह से फिर मैम पूछती एएम क्यों पीएम क्यों। तो आप सुनो बेटा जो रात को 12 बजे हुए हैं बेटा उन्हें ना हम एएम बोलेंगे ना हम पीएम बोलेंगे उन्हें बोलेंगे 12 midnight। क्या बोलोगे 12 midnight। और बेटा जो दिन में 12 बजते हैं उन्हें क्या बोलते हो बेटा जब 12 o'clock का टाइम हो जाता है दिन में उन्हें क्या बोलते हो। आप कहोगे मैम एएम जल्दी से बोलते हो नो बेटा मैम पीएम नो बेटा और क्या बोलते हो भाई फिर। ठीक है तो आप कहोगे मैम ने आपको बताया कि बेटा जो दिन में जो 12 o'clock का टाइम हो जाता है तो आप उसे बोलोगे 12 noon। ठीक है ना क्योंकि वो आफ्टरनून क्या है तो आप बोलोगे 12 noon ना एएम लगाओ ना पीएम लगाओ उसके साथ 12 noon। और रात को जो 12 बजते हैं उन्हें क्या बोलोगे 12 midnight। क्लियर बेटा। अब याद रखो बेटा कि रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे के बीच में जो भी टाइम आता है चाहे वो रात का टाइम है चाहे वो दिन का टाइम है रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे के बीच का जो टाइम है बेटा उसके साथ आपने एएम यूज करना है। क्लियर है बेटा। और जो दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच का टाइम है बेटा उसके साथ आपने पीएम लगाना है बेटा। ठीक है बेटा। अब जैसे देखो बेटा मैं कहती हूँ कि रात के 2 बजे बताओ एएम होगा या पीएम होगा। ठीक है आप फटाफट कहते हो मैडम पीएम क्योंकि रात के 12 बजे हुए हैं। नो बेटा रात के 12 बजे के बाद का टाइम है वो और सुबह का रात को बेशक अंधेरा है लेकिन रात के 12 तो बज चुके हैं ना उसके बाद का टाइम है तो आप उसके साथ क्या लगाओगे एएम लगाओगे। ठीक है बेटा। और दिन के मान लो मैंने दिन में कहा कि 1:15 ठीक है 1:15 का टाइम हुआ है तो आप क्या कहोगे बेटा उसके साथ। आप कहते हो मैम एएम क्योंकि दिन का टाइम है। नो बेटा वो क्या हो गया पीएम क्योंकि दिन के 12 बजे के बाद का टाइम है। क्लियर है बेटा। ठीक है तो अब हम क्लियर करते हैं कि एएम और पीएम कैसे लगाते हैं। यहाँ पर देखिए 7:30 इन द मॉर्निंग मॉर्निंग के 7:30 एएम। और एक बात याद रखना बेटा एएम और पीएम जब लिखते हो तो आपने स्मॉल लेटर्स को ही यूज करना है कैपिटल लेटर्स को यूज नहीं करोगे। ठीक है बेटा। फिर 9:15 इन द नाइट रात को 9:15 बेटा आप क्या कहोगे मैम पीएम। क्लियर है। 1:40 इन द आफ्टरनून दोपहर में 1:40 क्या लगाओगे बेटा पीएम।
क्योंकि दोपहर के 12 बजे के बाद का टाइम है। 2:25 इन द नाइट, नाइट के 2:25 बेटा, देखो रात के 12 बजे के बाद का टाइम है, तो न्यू डे स्टार्ट है एएम। क्वार्टर 2:12 एट नाइट, ठीक है। क्वार्टर टू, क्वार्टर का मतलब आर का 1/4 पार्ट, यानी कि 15 मिनट। क्वार्टर मीन्स 15 मिनट। 2:12 कि 12 बजने में अभी 12 बजने में अभी 15 मिनट्स रहते हैं बेटा, अभी 12 बजने में 15 मिनट रहते हैं, तो कितना टाइम हुआ इसका मतलब 11:45, ठीक है। नाइट के यानी कि क्या लगा दोगे, पीएम, यानी अभी 12 नहीं बजे हैं, बजे तो नहीं अभी 12, रहते हैं अभी, ठीक है। 20 मिनट्स past 10 इन द मॉर्निंग, अब देखो 20 मिनट past का मतलब बीत चुके हैं, और भी हो चुके हैं 20 मिनट्स, 10 बजने के बाद मॉर्निंग में 10 बजने के बाद 20 मिनट्स और हो चुके हैं, तो क्या आएगा बेटा am, क्योंकि अभी 12 तो नहीं बजे हैं, 10:20 का टाइम हुआ है। 11:59 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में 11:59 लेकिन 12 नहीं बजे हैं, तो आपने क्या लगा दिया am। नेक्स्ट देखिए am और pm ही लगाना है, अब आपने सोचना है कि सुबह का है, शाम का है, दिन का है, रात का है, अपने आप ही सोचना है बेटा। देखिए जैसे आई गो टू प्ले एट 4, सुबह के 4 बजे खेलने जाते हो कि शाम के 4 बजे, शाम को, तो आप कहोगे pm। आई गो टू बेड एट 10:30, 10:30 पर, सुबह के 10:30 तो स्कूल में बैठे होते हो ना, अब 10:30 कौन से 10:30 पर सोते हो, रात के 10:30 पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर भी PM। माई ग्रैंड मा गोज टू टेम्पल एट 7:30 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में 7:30 पर ग्रैंड मा, दादी जो है टेम्पल में जाती है 7:30 AM पर। माई फादर लिसन्स टू TV न्यूज एट 9 इन द नाइट, नाइट के 9 पर क्या टाइम हो जाएगा, मेरे पापा जो हैं न्यूज सुनते हैं PM, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ मंथ इन विच द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट डेज फॉल, कि देखो जिस जिस मंथ में ये वाले इम्पोर्टेंट डेज आते हैं उस मंथ में कितने दिन होते हैं, ठीक है बेटा। मंथ में दिन देखो बेटा ऐसे काउंट करोगे, ऐसे मुट्ठी बंद करो ऐसे, कि बेटा कि एक बार ये फोन पकड़ लो आप, ऐसे ही बिल्कुल पकड़ना, ऐसे ही बिल्कुल यूं करें, देखिए बेटा ऐसे मुट्ठी बंद की आपने इस तरह से, और इस तरह से देखो ये देखो इधर ये हड्डी दिखाई दे रही है, ये 31 और फिर एक गड्ढा, फिर हड्डी, फिर गड्ढा, फिर हड्डी, फिर गड्ढा और फिर हड्डी, उसके बाद अगेन हड्डी, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप क्या करोगे, हड्डी को ले लो जनवरी, फिर गड्ढा फरवरी, फिर मार्च, फोन टेढ़ा कर दिया आपने, ठीक है। हड्डी के ऊपर वाला डे जो है 31 और गड्ढे वाला बेटा 30। बेटा मेरे हाथ में फोन है इसलिए स्क्रीन रोटेट हो जाती है, ठीक है। इधर देखिए बेटा, ठीक है, हड्डी वाला 31, स्क्रीन रोटेट हो गई। तो आप देखो अपने हाथ पे इस तरह से काउंट करना बेटा। अब देखो रिपब्लिक डे, पहले हमें ये पता होना चाहिए रिपब्लिक डे कब होता है बेटा, 26 जनवरी, जनवरी में होता है। टीचर्स डे कब होता है बेटा, 5 सितंबर। क्रिसमस कब होता है बेटा, 25 दिसंबर। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, और चिल्ड्रन डे 14 नवंबर। अब देखो बेटा 26 जनवरी, इस तरह से हाथ करो, जनवरी पे देखो ऊपर हड्डी पे आएगी, तो जनवरी में कितने डेज हो गए बेटा, 31 डेज, इस तरह से लिखो। आप सितंबर में काउंट करो बेटा इस तरह से, जनवरी फरवरी, हाथ ऐसे करके, मेरे दोनों हाथ नहीं यूज हो सकते, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, देखो सितंबर जो है आपका गड्ढे में आएगा 30 डेज,
क्लियर है बेटा। उसके बाद क्रिसमस, दिसंबर, दिसंबर चेक करो बेटा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखो जुलाई और अगस्त दोनों ही 31 पे आएंगे क्योंकि दोनों हड्डी पे आ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, दोनों ही हड्डी पे आ रहे हैं। तो दिसंबर में कितने आ गए आपके 31 डेज, अगस्त, अगस्त में देखो बेटा मैंने जुलाई और अगस्त दोनों में ही बताया है कि 31 डेज, काउंट करोगे हाथों पे। चिल्ड्रन डे नवंबर, नवंबर में कितने होंगे 30 डेज, वो खड्डे में आएगा, ठीक है बेटा। इस तरह से बेटा आपने इसे करना है। आज बस यहीं पेज 71 तक ही हम कर लेते हैं, ठीक है बेटा। वीडियो काफ़ी हैवी हो रही है, कल वाली भी हैवी थी और आज भी हैवी हो गई, ठीक है बेटा, ओके बेटा।